अगर आपके भी दोस्त रिश्तेदार या फिर आपका कोई नॉन पर्सन आपको बार बार मैसेज कर रहा है या फिर आपको बार बार कह रहा है कि मेरा भी फ्री में स्केच बना दो और आपका नहीं मन है उसका स्केच बनाने का और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनको मना किया जाए और कई बार गुस्सा आता है कि यार चिल्ला कर बोलूं कि नहीं बनाना मुझे स्केच नहीं बनाना, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। तो हाय गाइज, मैं सनी सोलो और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक बात करेंगे कि आपको किन रीजन से आपको फ्री में स्केच बना लेना चाहिए और ऐसे कौन से रीजन है जिससे आपको स्केच बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए फ्री में, और अगर आपको फ्री में स्केच नहीं बनाना तो आप कैसे उसको पोलाइटली मना कर सकते हो सो दैट उसको भी बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे। तो गाइज ये वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज सुनते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको फ्री में स्केच क्यों बनाने चाहिए। अगर आप बिगनर लेवल पे हो मेनली, तो ऐसे कौन से पॉइंट है जिससे आपको हेल्प हो सकती है फ्री में स्केच बनाने से। पहला पॉइंट है प्रेज। जब आप नया नया बनाना सीखते हो, आप अपने दोस्तों का बनाते हो, अपने टीचर्स का बनाते हो या फिर किसी और नॉन पर्सन का बनाते हो, तो जनरली वो बहुत खुश होंगे, आपको प्रेज करेंगे, आपके काम को आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपका मन करेगा कि मैं और अपने जो जो लविंग पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो, आप उनके लिए अगर बना कर लेके जाओगे तो वो भी खुश होंगे जब आप उसको एक स्केच गिफ्ट करोगे। तो सेकंड पॉइंट है टू गिफ्ट समवन। अगर आपके किसी खास दोस्त का बर्थडे आ रहा है तो आप उनको एक स्केच भी गिफ्ट कर सकते हो और वो भी काफी एक यूनिक गिफ्ट होगा उनके लिए और काफी उनको पसंद भी आएगा और इस तरीके से आप अपना लव उनके लिए एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू दैट स्केच। एंड थर्ड पॉइंट इज टू गेन द ऑडियंस एंड गेट ऑर्डर्स। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए स्केच बनाते हो जिसके घर में या जिसके ऑफिस में बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है, तो अगर आप उसको एक स्केच दोगे ना उस एक पर्सन को, तो वो एक आपका स्केच आगे 10 लोगों को या फिर आगे 100 लोगों को वो दिखाएगा बंदा, पर या फिर ना भी दिखाए तो लोगों की नजर जरूर जाएगी और हो सकता है कि वो आपका स्केच देख के आपको कॉन्टेक्ट करे ऑर्डर्स के लिए। तो ये भी इस तरीके से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज टू यूटिलाइज योर फ्री टाइम फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। आप जितने ऐसे स्केचेस बनाते जाओगे आपको रिक्वेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा आएंगी। आप जरूरी नहीं कि सभी के स्केचेस बनाने, लेकिन अगर आप कुछ कुछ लोगों के ऐसे स्केचेस बनाओगे अपने जो नॉन पर्सन है, लेकिन जो बिल्कुल खास लोग हैं, अगर सिर्फ उन्हीं के अगर स्केचेस आप पहले पहले बनाओगे, तो एक तो ये कि आपके आर्ट में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपका ये नहीं होगा कि आज मैं स्केच नहीं बनाना, ये नहीं आना, फिर आपके मन में एक ये थॉट घूमती रहेगी कि यार उसने मुझे कहा कि यार स्केच बना, तो चलो मैं बना देता हूँ, वो खुश होगा ऐसे। अगर ये थॉट से आप करोगे तो आपका फ्री यूटिलाइज भी होगा टाइम, आपका फ्री टाइम, और आपकी एक प्रैक्टिस भी चलती रहेगी और एक आदत बन जाएगी आपकी स्केचेस बनाने। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड किया, आपको बहुत ज्यादा मदद की है, तो आप उसको खुश करने के लिए आप उसको फ्री में स्केच बना के दे सकते हो। इससे बहुत खुश होगा वो बंदा, इवन कि वो चाहे मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन अगर आप खुद का अगर मन है कि मैं उसको किस तरीके से पे बैक कर पाऊँ, तो आप इस तरीके से जरूर कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा रीजन हो सकता है फ्री में स्केच बना के दे। तो चलो अब बात करते हैं कि आपको फ्री में स्केचेस क्यों नहीं बनाने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नॉट मच रिस्पेक्ट। आप जितने ऐसे किसी के लिए फ्री में स्केचेस बनाते जाओगे, आपके काम की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि जो चीज आपको कई बार आपको फ्री में मिल जाती है, आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं होती ना, आप उसकी चीज की वैल्यू इतनी आप मानते हो। और सेम चीज ऐसे ही आप भी किसी के लिए फ्री में स्केच बना दो और आपको पता है कि उसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगी। सामने वाले को तो नहीं पता ना, उसको तो बस ये है कि पेंसिल पेपर लिया उसने बना दिया, उसको कुछ नहीं पता कि कितने घंटे लगे क्या है, बस उसको स्केच चाहिए। तो ये फ्री स्केचेस बनाने के कारण आपके काम की रिस्पेक्ट बहुत कम हो जाएगी और ये चीज बिल्कुल नहीं होने देनी आपने। और मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा कई बार हुआ कि जिसको मैंने फ्री में स्केच बना के दिया या फिर किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि फ्री में स्केच बना के दे दो, तो मैंने स्केच तो बना दिया, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि उन्होंने ना तो उसको फ्रेम करवाया और ना ही उसको अच्छे से रखा हुआ है, और वो स्केच भी एकदम से खराब हो गया, तो देख के बहुत बुरा लगता है यार। तो इसलिए मैं भी फ्री में स्केच बिल्कुल नहीं बनाता और मैं साफ मना करता हूँ, बट एक सही ढंग से। सेकंड पॉइंट ये है कि इट सीम्स एन ईजी जॉब। लोगों को लगता है कि यार बहुत आसान होगी ये चीज़, जो ये एक दिन में या फिर दो दिन में तीन दिन में कंप्लीट कर लेता है स्केच। उनको नहीं पता कि आपने कितने साल इस पे स्पेंड किए हैं, अपनी ये स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपने कितनी रातें जागी हैं, क्या क्या अपने मटेरियल्स वगैरह परचेज किए हैं अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ की भी उनको अनअवेयरनेस रहती है कि ये काम बहुत ईजी है, और उनको नहीं पता होता कि अपनी एक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। स्केच बनाना बिल्कुल इजी जॉब नहीं है, इसको सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे एटलीस्ट 12 से 15 घंटे एटलीस्ट लग जाते हैं, कई बार 20 घंटे भी लग जाते हैं सिर्फ एक स्केच को। वो डिपेंड करता है उसकी डिटेल्स के ऊपर। कुछ लोगों को इससे कम भी लगते हैं, कुछ लोगों को मुझसे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन चाहे जितना टाइम लगता हो, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि आप अपनी लाइफ के प्रीशियस जो आवर्स हैं वो किसी को दे रहे हो, ठीक है। किसी ने आपको रिक्वेस्ट की और आप ऐसे ही बना के दे रहे हो, क्या वो वर्थ करता है वो आपको इस तरीके से फ्री में स्केच बना के देना उस पर्सन को? आप इतने जो आवर्स लगा के स्पेंड करके उसको दे रहे हो, क्या ये वर्थ करता है?
जिस पर्सन ने आपको रिक्वेस्ट किया है कि मुझे प्रीम स्केच बना के दो, अगर आप उससे पूछोगे कि यार तू मेरा कोई काम कर सकता है, चाहे उस काम में चाहे 2 घंटे लगने हो या फिर 4 घंटे लगने हो, क्या वो हाँ करेगा उस काम के लिए? बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मना करेगा। अगर वो मना कर सकते तो आप क्यों नहीं मना कर सकते? और ये फोर्थ पॉइंट बहुत ही जेन्युइन है, और ये है मल्टीपल रिक्वेस्ट। आप किसी एक का स्केच बनाओगे, 2 का बनाओगे, 3 का बना दोगे फ्री में, उसके बाद वो जितने और लोगों को दिखाएंगे, चाहे आप किसी एक आपका फ्रेंड सर्कल मान लो 10 लोगों का है या 5 लोग है, जितने लोगों का आप 1-2 का बना दोगे, बाकी के जितने भी होंगे वो उनमें से मैक्सिमम लोग आपको अप्रोच करेंगे, यार तुमने उसका बना दिया, मेरा क्यों नहीं स्केच बनाया, मेरा क्यों नहीं बना रहे तुम? तो इस तरीके से आपकी जो फ्रेंडशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आपको आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मना करना। ऐसी प्रॉब्लम मैं पर्सनली फेस कर चुका हूँ। और फिफ्थ पॉइंट है, यू हैव योर ऑन प्रायोरिटीज। हर एक बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, हर एक बंदे को कुछ ना कुछ काम करना होता है अपनी लिविंग के लिए, उनको बिल्स पे करने होते हैं, उनको अर्निंग करनी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको करनी पड़ती हैं। ऐसी आर्टिस्ट की लाइफ में भी सेम चीज़ होती है, वो आर्टिस्ट कुछ अलग जाती नहीं होती जिनको कुछ प्रायोरिटीज होती नहीं है, और ये सिर्फ यही फ्री टाइम में करते रहते हैं आर्टिस्ट। बस ये है कि जहाँ दूसरे लोग अपना फ्री टाइम बाहर घूमने में या फिर नेटफ्लिक्स देखने में अपना टाइम निकालते हैं, वहाँ आर्टिस्ट लोग अपना फ्री टाइम इस तरीके से अपना यूटिलाइज करते हैं, अपने आर्ट को इम्प्रूव करते हैं, अपने मार्केटिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट सोशल अकाउंट्स को ग्रो करने में लगे रहते हैं, सो दैट उनको और काम आए, वो और ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ, अपने जो बिल्स हैं, अपने खर्चे हैं घर के, वो सारे निकाल पाएँ। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने आर्ट की राइट वैल्यू लेना। फ्री में करते रहोगे आपके आर्ट की राइट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको उसको सेल करना आना चाहिए, आपको अपनी आर्ट की राइट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप ये स्केच बना रहे तो उसकी मार्केटिंग वैल्यू कितनी अभी चल रही है, दूसरे आर्टिस्ट लोग कितना चार्ज कर रहे हैं इस क्वालिटी के आर्ट के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, और आपको भी उसके अराउंड आपको भी चार्ज करना चाहिए। कोई अननोन पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है तो आप मार्केट के अकॉर्डिंग चार्ज कर लीजिए, आपका दोस्त आपको अप्रोच कर रहा है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, 50% या फिर 30%, जितना आपका डिस्काउंट ठीक रहता है, लेकिन पैसे जरूर लीजिए, सो दैट सामने वाले के मन में भी रहे कि मैंने ये पैसे दे के खरीदी है चीज़, उसने आपके आर्ट की वैल्यू लगाई है इतनी, और वो उस चीज़ को संभाल के भी रखेगा। तो गाइज मैंने आपको समझा दिया कि आपको किन रीजन से फ्री में स्केच बना लेने चाहिए और किन रीजन से आपको फ्री में स्केच बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, कि अगर आपका कोई नॉन पर्सन या फिर कोई भी पर्सन आपको फ्री में स्केच बनाने के लिए कहता है तो आप उसको किस तरीके से मना कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे आपको मैसेज करता है कि फ्री में स्केच बनाओ, तो डायरेक्टली मना कर दो, ब्लॉक कर दो, मैसेज का जवाब ना दो, कुछ भी कर दो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई टेंशन लेने की जरूरत है। बार बार अगर मैसेज करेगा भी तो डोंट केयर अबाउट दैट। अगर आपको कोई ऐसे मैसेज करेगा कि यार मेरा भी स्केच बना दो, तो आप इस तरीके से मैसेज कर सकते हो, प्लीज चेक द प्राइस लिस्ट फॉर द ऑर्डर डिटेल्स। एक प्राइस लिस्ट बना लीजिए, तो जब भी आपको ऐसा कोई मैसेज आएगा डायरेक्टली उसे प्राइस लिस्ट भेज दीजिए कि आप प्लीज इसमें से डिटेल्स चेक कर लीजिए एंड देन रिवर्ट बैक। चलो ये बात होगी स्ट्रेंजर्स की, लेकिन अब बात करते हैं अगर आपको कोई नॉन या फिर आपके कोई फ्रेंड्स आपको अप्रोच करते हैं स्केच बनाने के लिए, एक्सक्लूडिंग योर क्लोज फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, तो आप उनसे भी सेम वे में आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर आपको मैसेज आएगा कि यार हमें भी स्केच बना के दे दे, कई बार वो पूछ लेते हैं कि कितना प्राइस है तुम्हारा, कई बार वो डायरेक्टली यही कहते हैं कि हमें भी स्केच बना दे, तो आप उनको कहिए कि मैं आप तुमको प्राइस लिस्ट भेजता हूँ, उसमें से डिटेल्स वगैरह सेलेक्ट करके मुझे बता दो, तो जितना बेस्ट पॉसिबल होगा मैं तुम्हें कंसेशन दे दूंगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि वो ऑर्डर वगैरह नहीं देंगे, बट इस तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हो, और बहुत कम चांस होंगे कि वो भी बुरा माने आपकी इस बात का, क्योंकि अगर आपने प्राइस लिस्ट बनाई हुई है तो उनको समझ आ जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, जिस तरीके से उसने प्राइस लिस्ट वगैरह बना के रखी हुई है, ये माइंड में बंदे का आया था कि हाँ ये प्रोफेशनली वर्क कर रहा है और ये फ्री में नहीं करेगा। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल पार्ट की, अपने रिलेटिव्स को कैसे मना किया जाए। अगर कोई भी आपका रिलेटिव आपको अप्रोच करता है कि यार हमारा भी स्केच बना दे या फिर बच्चे हमारा भी स्केच बनाते, तो आप उनको ये सिंपली ये चीज़ कह सकते हो कि देखिए बुआ चाची जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है, आप उनको सिंपली ये कह सकते हो कि अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास अभी ऑर्डर्स हैं, कम से कम उनको 2-3 मंथ लगेंगे कंप्लीट होने में, उसके बाद जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं आपको उस वक्त स्केच बना दूंगा, आप मुझे पिक्चर दे दीजिए। आपने उनको डायरेक्टली मना नहीं करना, डायरेक्टली मना करोगे तो आपकी उनके साथ अनबन हो सकती है, वो बुरा मान सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक प्यार से आप उनको कह सकते कि कोई बात नहीं, आप मुझे पिक्चर सेंड कर दीजिए, अभी मैं फिलहाल बहुत बिजी चल रहा हूँ, जब थोड़ा सा फ्री होगा तब मैं बना दूंगा। तो अगर आपका कभी मूड करेगा तो आप बना देना, नहीं मूड करेगा तो ना तो वो टाइम आएगा जब आप फ्री होगे, ना तो आपके ऑर्डर्स कम होंगे, अगर होंगे भी तो आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो,
उनको कौन सा पता कि चलेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर ऑर्डर पे वर्क कर रहे हो। तो आप इस तरीके से उनको भी हैंडल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स आपको अप्रोच करें। पहली बात ये, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपको तभी अप्रोच करेंगे जब आप एक नॉन प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो या फिर स्कूल या कॉलेजेस में हो, क्योंकि स्कूल या कॉलेजेस के फेज में ऐसा होता है कि आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, आपके पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम भी रहता है और उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि आपके जो टाइम की भी कुछ वैल्यू होती है। आप जितना टाइम किसी को दे रहे हो आपको उतनी वैल्यू मिलनी भी चाहिए। इसके ऑपोजिट जब आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाते हो या फिर आपके दोस्त भी काम करने शुरू कर देते हैं, तब उनको भी अवेयरनेस होती है कि हाँ यार हम काम कर रहे हैं, हम दिन के 8-10 घंटे कंपनी को दे रहे हैं, तब तभी जाके हमारी इतनी वेजेस वगैरह बनते हैं। और जो ये हमारा आर्टिस्ट दोस्त है वो भी डेली वर्क करता है, उसको भी 10-12 घंटे एक पोर्ट्रेट बनाने को लगते हैं, तो उसकी भी एक वैल्यू होनी चाहिए। और ये बिल्कुल अनफेयर चीज़ होगी अगर हम उससे फ्री में काम करवाएं। तो इन द मोस्ट केसेस अगर आपके दोस्त आपको अप्रोच करेंगे तो वो समझते हैं कि आप कितनी ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहे हो, आपके 8 मिनट कितने कॉस्टली हैं, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास भी कितना काम रहते हैं और आप कितने चार्ज वगैरह करते हो। अगर वो पे कर सकते हैं तो वो देन डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो इससे वो आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते वो नहीं करेंगे वो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही रहता है। अगर फिर भी वो आपको अप्रोच करते हैं तो आप वही सेम फार्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हो कि देखिए यार अभी मैं बिजी हूँ, 2-3 मंथ लगेंगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में, करंटली जो पेंडिंग है, इसके बाद अगर टाइम लगेगा तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं लगेगा तो फिर मुश्किल है। तो ये चीज़ आप उस वक्त चला सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी नहीं हो, आप स्कूल कॉलेजेस में हो, तो फिर उस वक्त क्या करें? तो भाई उस वक्त तो सच में बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त तो मैंने भी फ्री में स्केचेस बनाए हैं कुछ लोगों के और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई हैं, तो मैंने बहुत बहाने लगाए कि यार अभी नहीं बना सकता, मुश्किल है, मेरे ये काम मेरा अटका हुआ है, मेरा वो काम अटका हुआ है, नॉट ओनली आर्ट के ऑर्डर्स बट मेरे और भी काम है, तो मुझे वो भी कंप्लीट करने, तो अभी मुश्किल है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।